नमस्कार, मैं हूं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। शहर में कोरोना संक्रमण का प्रकोप फिर से बढ़ने लगा है। नागरिकों को सतर्क करने और जो लोग बिना मास्क घूम रहे हैं उन पर कार्रवाई करने पर जब टीम पहुंची तो कुछ शरारती लोगों द्वारा टीम के लोगों पर हमला कर दिया गया। ऐसे में लोगों को सावधान करने और दंड वसूलने के लिए पुलिस की एक टीम और मनपा कर्मचारी संयुक्त रूप से एपीएमसी मार्केट में कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। नवी मुंबई शहर में कोरोना का प्रादुर्भाव फिर से बढ़ने लगा है। ऐसे में नागरिकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके साथ ही जो लोग नियमों की ध्वजा उड़ाने से बाज नहीं आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। एपीएमसी के मसाला मार्केट में पुलिस और मनपा की टीम द्वारा कार्रवाई के साथ साथ दंड वसूली अभियान शुरू कर दिया गया है। कोविड 19 के प्रादुर्भाव के दरमियान पिछले साल का अपन अगर देखा लेखा जोखा तो नई मुंबई में एपीएमसी मार्केट ये एक ऐसी जगह है कि जो स्टेट में सबसे बड़ी मार्केट है और यहाँ रोज़ाना कम से कम 15-16 हज़ार लोग डेली परचेसिंग और सेलिंग करते हैं। तो हमें डर है, पिछले साल में इस मार्केट को बहुत बार बंद करना पड़ा, उससे लोगों को बहुत दिक्कत हुई, परचेसर को भी दिक्कत हुई, सप्लायर को और कंज्यूमर को भी दिक्कत हुई। इस साल हमने पहले से प्लान करके रखा है कि ये मार्केट सुपर स्प्रेडर नहीं बन जाए। इसके लिए हमने कुछ पथक डिप्लॉय किए थे महानगर पालिका के और पुलिस के जॉइंटली 8-10 पथक निर्माण किए थे, लेकिन हमें एक ऐसा एक एक्सपीरियंस आया कि लोग अभी ज़्यादा फिक्र नहीं कर रहे, लोग बिंदास रह रहे, और जब कोई एक दो ऑफिसर या एक दो कर्मचारी इसके लिए जाते हैं तो उसके साथ वो बाचाबाची झगड़ा करते हैं। इसलिए हमने बड़े पैमाने पे बड़ा स्क्वाड तैयार किया है जिसमें से आज आपने देखा होगा कि 30-40 पुलिस अफसर और कर्मचारी, महानगर पालिका के 20-25 अधिकारी और कर्मचारी साथ में मिलके हमने आज मसाला मार्केट में कार्रवाई की और जिससे लोगों को पता चले कि ये आगे के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है और इसके लिए लोगों को फाइन के रूप से आज जुर्माना भरना पड़ा। कम से कम 10,000 के ऊपर फाइन के केसेस अभी ये एक महीने में हमने किया है। इसके बावजूद 200 से भी ज़्यादा ऑफेंसेस दाखिल भी किए, लेकिन इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि एपीएमसी मार्केट में एक 100 रुपये कमाने वाला मजदूर से लेके बड़े व्यापारी तक लोग काम करते हैं। बहुत बार लोगों के पास फाइन के लिए भी पैसे नहीं रहते, लेकिन उसको प्रबोधन करने के लिए ज़रूरी होता है, तो हम लोगों को मार्गदर्शन भी करते हैं। इसके बावजूद हम यहाँ के लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनको मास्क महानगर पालिका की तरफ से मास्क और सैनिटाइज़र भी हम दे रहे हैं। आपको मालूम होगा कि इस साल प्रतियोगिता में महानगर पालिका भाग ले रही है देश में सबसे स्वच्छ शहर बनने के लिए, तो इसलिए स्वच्छता भी रखने के लिए कुछ इंतज़ाम यहाँ किए, एपीएमसी मार्केट के कमेटी ने भी किए, महानगर पालिका ने भी किए, उसके लिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि फाइन, इसके बावजूद उनका प्रबोधन और इसके बावजूद उनको जो सामग्री चाहिए, वो साहित्य का वाटप, ये तीनों तरीके से अपन अगर साथ में मिलजुल के काम किया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कोरोना का प्रसार कम हो जाएगा और लोगों की दिक्कतें कम हो जाएगी, इसलिए मुहिम चालू है। तो ये थी आज की हमारी खास खबर। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए।